नमस्कार दोस्तों, सर्दियां लगभग जा चुकी हैं और फ्रेश मटर का सीजन भी जा रहा है, तो जाते हुए सीजन में हम फ्रेश मटर से बनाएंगे मटर पनीर। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पनीर फ्राई करेंगे। इसके लिए एक पैन को गैस पे चढ़ाएंगे और उसमें 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल को गर्म कर लेंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें पनीर ऐड करेंगे। मटर पनीर में पनीर को फ्राई करके डालें। फ्राई पनीर से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। पैन में डालने के बाद पनीर को एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। 1.5-2 मिनट के बाद इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी पका लेंगे। दोनों साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसे बाहर निकाल लेंगे। फ्राई करने से पनीर कड़ा हो जाता है, तो इसे सॉफ्ट करने के लिए गुनगुने पानी में डालेंगे। पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब इसमें ये पनीर डालेंगे। अब इसे 8-10 मिनट के लिए पानी में छोड़ देंगे। यहाँ पैन में 2 टेबल स्पून रिफाइंड तेल बच गया है, तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मूंगफली डाली है। प्याज और टमाटर को रफली काट के डाला है। 8-10 लहसुन की कलियां, थोड़ी सी अदरक और 1 लाल मिर्च डाली है। अब पैन को 4-5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे। प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो इन्हें ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इन्हें पीसने के लिए ग्राइंडर में डालेंगे। मैंने पेस्ट बनाने में काजू की जगह मूंगफली लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह काजू ले सकते हैं। अब इन्हें ग्राइंड कर लेंगे और ये देखिए पेस्ट रेडी है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 2 तेज पत्ता डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे, 4 काली मिर्च डालेंगे और 1 बड़ी इलायची क्रश करके डालेंगे। अब सबको सौते करेंगे के बाद इसमें प्याज टमाटर का पेस्ट डालेंगे। अब पेस्ट में सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला डाला है। ये मसाला डालना इसमें पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से सब्जी का टेस्ट बढ़ जाएगा। अब मसालों को प्याज टमाटर के साथ अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद इसमें मलाई डालेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम या दही भी डाल सकते हैं। क्रीम, मलाई या दही डालने से ग्रेवी का टेक्सचर रिच हो जाता है। अब मलाई को अच्छे से चलाएंगे और अब इसी टाइम पे इसमें फ्रेश मटर डालेंगे, क्योंकि फ्रेश मटर को पकने में टाइम लगता है। आप चाहें तो मटर को बॉयल करके सब्जी में डाल सकते हैं। अब पैन को 4-5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट होते ही ढक्कन हटा देंगे और यहाँ देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तो अब मटर को चेक कर लेते हैं। मटर अभी पूरी तरीके से नहीं पकी है, तो मटर पकाने के लिए पैन को दोबारा कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले ग्रेवी में पानी डालेंगे। मैंने 1 कप पानी डाला है। पानी और मटर दोनों को पकाने के लिए पैन को 4-5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे और अब मटर चेक कर लेंगे। ये देखिए मटर पक चुकी है। ग्रेवी में पानी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इस सब्जी को जीरा राइस के साथ सर्व करूंगी, इसलिए इसमें पानी ज्यादा रखा है। और अब ग्रेवी में पनीर ऐड करेंगे। पनीर के साथ ग्रेवी को 2 मिनट पकाएंगे और अब लास्ट में इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल के गैस ऑफ कर देंगे। अभी पैन को कवर कर देंगे और सब्जी को 5 मिनट के बाद सर्व करेंगे। मटर पनीर की सब्जी तैयार है। बहुत बढ़िया सब्जी बनी है। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।